देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को पूर्व खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान दिनेश अग्रवाल ने केंद्र में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने हर वायदे को पूरा करती है। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का शुभारंभ कर हर गरीब को इस योजना का लाभ दिलाने का वायदा किया है। तो वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए दिनेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, बाकी धरातल पर इनका कोई भी काम आज तक नजर नहीं आया है। आज मोदी और अमित शाह को प्रियंका गांधी का डर हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आने वाले साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस देश में सरकार बनाएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आज राहुल जी ने जो है जो कहा है कि हम हर गरीब के लिए न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना को लागू करेंगे, इसके अनुरूप हर गरीब के बैंक में न्यूनतम राशि जमा की जाएगी। ये बात आज जो राहुल जी ने कही है वो बहुत स्वागत योग्य है और राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी को मिला उसमें उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर आया। उन्होंने जनता से अनेक वायदे किए थे, लोगों ने भरोसा जताया, जिन वादों पर वो बिल्कुल असफल साबित हुए। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ संध्या सेमवाल की रिपोर्ट।